KBPS News। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने ध्वज फहराया और काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने कार्यकर्ताओं को कुछ शब्दों से संबोधित किया। सरकार बनी हर दिन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देश के 125 करोड़, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हुआ। लेकिन आज इस देश के, प्रदेश के गरीबों को सबसे बड़ा उपहार मोदी केयर के रूप में आयुष्मान भारत के माध्यम से जो देने का काम किया गया है, मैं समझता हूं इससे बड़ा उपहार देश को पराधीनता से मुक्त होने के बाद गरीबों के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं देश और प्रदेश के वासियों को बधाई देता हूं। मैं उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके संघर्षों के कारण हमें अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिली और देश की स्वतंत्रता का असली एहसास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो गरीबों को हो रहा है, मैं उसके लिए विशेष तौर से आज जो आयुष्मान भारत के रूप में मोदी केयर योजना का शुभारम्भ हुआ है, जिसमें हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य के लिए उनका इंश्योरेंस किया गया, बीमा किया गया है, यह बहुत बड़ा उपहार है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और उपहारों की तो बरसात है, लेकिन इससे बड़ा किसी गरीब के लिए कोई दूसरा उपहार नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।